सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है और सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक पदों में भर्ती के लिए प्रयासरत लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। बता दें दोस्तों, यूपी सरकार आने वाले साल 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद खाली रह जाएंगे, जिसके लिए भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया गया है और सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें दोस्तों, यूपी के परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी कराई जाएगी, फिर इसका रिजल्ट जारी होने के साथ ही सरकार 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और 4,000 लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, जल्द रिजल्ट आया तो पीसीएस में बढ़ेंगे पद। बता दें दोस्तों, अभ्यर्थियों को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार। पीसीएस मेंस 2020 से पहले ही पीसीएस 2019 का परिणाम जारी हो जाता तो बता दें दोस्तों, पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से प्रस्तावित है, लेकिन इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दे ताकि इस परीक्षा में उच्च पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी पीसीएस मेंस 2020 में शामिल न हो और प्रतिस्पर्धा कम होने से अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा। बता दें दोस्तों, सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा में 41% रही उपस्थिति, 7 साल बाद आयोजित हुई थी परीक्षा। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में ये खबर छाई है कि विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 692 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से रविवार को आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। परीक्षा में 41.01% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। यह परीक्षा 7 साल बाद आयोजित की गई। इससे पहले वर्ष 2019 में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। दोस्तों, इस परीक्षा में हिंदी GS के सवालों से तय होगी मेरिट। बता दें दोस्तों, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की मेरिट हिंदी व सामान्य अध्ययन के सवालों से तय होगी। पहले से प्रश्न पत्र में 25 सवाल सामान्य हिंदी और 100 सवाल विषय से पूछे गए थे, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में 25 सवाल सामान्य अध्ययन और 100 सवाल विषय से पूछे गए थे। अभ्यर्थी अपने अपने विषय को तैयारी ठीक से करके पहुंचे थे, लेकिन सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल सभी के लिए एक समान थे। ऐसे में सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवालों से ही मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, आपने एंड तक वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन। और 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।